असम में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा आई दोबारा सिर उठाने की कोशिश में है। इसे लेकर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया है कि संगठन असम के साथ ही दिल्ली NCR तक युवाओं की भर्ती कर उन्हें उग्रवादी ट्रेनिंग देने में जुटा है। साथ ही पता चला है कि बीते महीनों में करीब 150 युवाओं की भर्ती भी हो चुकी है। तो वहीं उल्फा वारण के साथ जवानों और आम नागरिकों पर बड़े हमले की तैयारी में है। इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय ने राष्ट्र वही खुफिया एजेंसी के अफसरों ने माना है कि बड़ी संख्या में युवा उल्फा आई से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक चाय बागान इलाकों के 300 से अधिक युवा उल्फा आई में शामिल हुए हैं। गांव से गुवाहाटी तक कुछ युवाओं के लापता होने के बाद उल्फा में शामिल होने की बात भी कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।